विदेशी बाजार में दाम तेज होने के बावजूद भी घरेलू मंडियों में मंगलवार को उत्तर भारत के राज्यों में चीनी की कीमतें 80 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक घट गईं, जबकि कोलकाता और मुंबई में इसके भाव 20 से 40 रुपए प्रति क्विंटल तक नरम हो गए। जानकारों के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में आई गिरावट का असर कोलकाता सहित पूर्वी राज्यों पर भी देखा गया। व्यापारियों के अनुसार केंद्र सरकार ने अक्टूबर के लिए चीनी का कोटा बढ़ाकर 24 लाख टन का जारी किया था, जबकि सितंबर के अंतिम सप्ताह में जो 2.5 लाख टन का अतिरिक्त कोटा जारी किया था उसका बकाया स्टॉक बेचने के लिए भी मिलों को 10 दिन का समय दिया गया था। यानी मिलों पर कोटे की चीनी बेचने का दबाव है, जिस कारण मिलों ने एक्स फैक्ट्री कीमतों में 30 से 60 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती कर दी। इसके असर से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चीनी के दाम 80 से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक घट गए। दिल्ली में चीनी के भाव घटकर मंगलवार को एम ग्रेड के 4000 से 4100 रुपये और बरेली में 3950 से 4050 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। वहीं सूत्रों के अनुसार अभी तक व्यापारी और स्टॉकिस्ट एक्स फैक्ट्री भाव में कटौती ना होने के कारण तेजी की उम्मीद में भाव घटाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही मिलों ने एक्स फैक्ट्री भाव कम किए थोक बाजार में चीनी बेचने की होड़ मच गई। व्यापारियों के साथ ही स्टॉकिस्टों की बिकवाली बढ़ने से भाव में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि आगे त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है जिससे चीनी की मांग में सुधार आएगा, लेकिन मिलों में पेराई भी आरंभ हो जाएगी, इसलिए इसकी कीमतों में बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। व्यापारियों के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुए चालू पेराई सीजन में चीनी का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। हालांकि विदेशी बाजार में चीनी की कीमतें तेज हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आगे निर्यात सौदों में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन कुल निर्यात पिछले साल की तुलना में कम होने की आशंका है। चालू पेराई सीजन में घरेलू बाजार में डीजल के दाम बढ़ने से निर्यातकों को घरेलू परिवहन लागत के साथ ही वैसल के लिए भी भाड़ा ज्यादा देना पड़ रहा है। वहीं विश्व बाजार में क्रूड ऑयल की तेजी से चीनी में मजबूती बनी रही। आईसीई मार्च रॉ शुगर 0.04 सेंट यानी कि 0.2% बढ़कर 20.33 सेंट प्रति पाउंड पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इसने 20.61 सेंट का स्तर छू लिया, जो फरवरी 2017 के बाद का उच्चतम स्तर था। दिसंबर वाइट शुगर वायदा $2.20 यानी कि 0.4% बढ़कर $521.90 प्रति टन पर पहुंच गया। क्रूड ऑयल में तेजी आने का असर सीधा चीनी की कीमतों पर देखा गया। व्यापारियों के अनुसार महाराष्ट्र और बंदरगाह के पास वाले राज्यों की मिले निर्यातकों को रॉ शुगर 3150 से 3170 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सौदे कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।